ए अलेक्सा, तू फिर आ गई बोल। अच्छा मैं ये कह रही थी यार, मैं अभी मॉल आई हूँ, पिज्जा बहुत महंगा है यहाँ पे। तो छपरी वीर बाजार में थोड़ी आई है, मॉल आई है, महंगा तो होगा ही। मतलब क्या है कि वीर बाजार से ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बाहर से भी 250-250 के खाए हैं, यहाँ पे तो 550 रुपए का रेट बता रहे हैं। कभी बाहर और यहाँ में बहुत अंतर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, इतना कोई ना चीज पता नहीं ऐसी कौन सी चीज हो गई जो इतनी महंगी बता रहे हैं। तुझे पता नहीं होगा, तेरे खानदान ने कभी खाई नहीं ऐसी चीजें। अरे नहीं, मेरी मम्मी को अभी फोन करके बताऊँ ना, 550-550 का एक पिज्जा खा रही हूँ, तो अच्छे से पता चल जाएगा, मम्मी अच्छे से डांट लगाएगी। अबे तो चश्मिश मॉल आई ही क्यों है फिर? अरे यार तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है तुम भी मॉल वालों के साथ मिली हुई हो। अच्छा जी। हाँ भाई मैं तो साफ बोल रही हूँ, मेरे बस की नहीं इतना महंगा पिज्जा खाने की। बस की नहीं, औकात नहीं है तेरी। चलो ठीक है, खा लेती, फोन पे करवा दो फिर 500 रुपए। भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं। नहीं है पैसे तो मिली नहीं, सैलरी तुम करवा दो। तेरे पास होते ही कब है? अलेक्सा। अबे छपरी बार बार क्यों बुला रही है, क्या हुआ? अरे मैं ये कह रही थी, मैं एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ, एक बार बता दो पहले से ही तुम कि क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी। अबे चश्मिश बोलना तो आ नहीं रहा, और एयर होस्टेस बनना है तुझे? अरे वो मुंह से एकदम से जी बड़क आ गई थी इसलिए बोल नहीं पाई, बोलना नहीं आता क्या मतलब है? अच्छा एयर होस्टेस बनने के लिए क्यूट लड़कियां होनी चाहिए, छुपी नहीं। क्यूट और स्मार्ट ब्यूटीफुल सारी तो क्वालिटी है मेरे अंदर एयर होस्टेस बनने वाली। अबे छुपी पता भी है क्यूट लड़कियां कैसी होती? तो अब तुम बताओगी क्यूट लड़कियां कैसी होती है? बताऊँ क्या, दिखा देती हूँ। बस 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 तुम मत बताओ, मेरे अंदर जितनी क्वालिटी है ना कोई किसी के अंदर नहीं होगी। अलेक्सा। हाँ बोल। अच्छा मैं ये कह रही थी, मुझे सब चांद का टुकड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि चांद पर भी दाग है और तेरी शक्ल पर भी। अरे क्या दाग है यार, क्या दाग है, गुस्सा दिलवा रही हूँ, दाग क्या है मेरे अंदर? मेरे चेहरे पे इतना ग्लो करता है मेरा चेहरा, तभी तो मेरी मम्मी कहती है कि मेरे चेहरे पे इतना मतलब ग्लो कर रहा है, तो तेरे तू चांद का टुकड़ा है। छपरी के सिंगल से चांद का टुकड़ा है तू। कुछ भी ऐसा कुछ भी मत बोलो। कुछ भी क्या, सच बोल रही हूँ। इतनी महंगी महंगी क्रीमें लगा रखे हैं, इसीलिए तो लगाया कि सब मुझे चांद का टुकड़ा बोले। कितने ही पैसे लगा ले, शक्ल गंदी ही रहेगी तेरी। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, छोड़ो रहन दो तुम। एक्सक्यूज मी भैया, मतलब मैं इतने से लिफ्ट में मतलब नीचे जा रही थी, आप थोड़े से वो लग रहे हो, डायरी इतनी बड़ी क्यों कर रखी आपने? नहीं प्रॉब्लम नहीं, एक या दो मिनट रखनी, नहीं इतनी ज्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए ना कि बच्चे भी डर जाए। नहीं मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती है ऐसे, मैं अपने भाई को ही बोलती हूँ, खाना वाना खाते हैं। प्रॉब्लम इससे हो रही है कि मैं चाहती हूँ कि देश के लोग सुधरे, थोड़े सही से रहना। पेशन है मेरा, मैं जॉब करता हूँ इसमें, मेरा प्रोफेशनल। एक मिनट दो मिनट रुक जाओ, भाग रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब थोड़े से देश के लोग, प्रधानमंत्री इतनी सेवाएं खोल रहे हैं सैलून हर जगह में, तो आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं मतलब राय देती हूँ, मैं लोगों को जो बिकता है जो दिखता है वो बिकता है। सो मेरा एक प्रोफेशनल है, मैं सैलून में जॉब करता हूँ, मुझे बीएड मेरी नहीं है। नहीं आप माइंड मत कीजिए, लेकिन आपको अभी लेकिन आप मुझे क्यों रोक रहे हो? आपको कटवा लेनी चाहिए, मैं कह रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो मैं चलती हूँ। कटवा लीजिए भैया, अच्छी नहीं लगी। रुक तो जाइए, आप तो ऐसे जा रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? नहीं नहीं, आपने मुझे अंदर बात कर ली, मुझे जाना है, बहुत इमरजेंसी जाना है। आप तो गुस्सा ही हो। ऐसे रोक कैसे रहे?